हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना के इस मुश्किल वक्त में कोरोना मरीजों के लिए एक 500 ऑक्सीजन बेड का अस्थाई हॉस्पिटल की शुरुआत की है। हिसार का ये अस्थाई हॉस्पिटल महज 15 दिनों में ही तैयार किया गया है। हिसार में कोरोना मरीजों के लिए एक बड़ी सौगात सुबह की मनोज सरकार ने दी है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में अपना रौद्र रूप दिखाया, तो हिसार में भी कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत उफान पर पहुंच गई। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए महज 15 दिनों के भीतर हिसार के ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के ग्राउंड में 500 ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा के साथ ये अस्थायी अस्पताल युद्ध स्तर पर तैयार कर दिया गया। रविवार के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया। कि रिकॉर्ड समय में इन्होंने अस्पताल तैयार किया है। चाइना जैसे देश में तुम सुनते थे कि वहां तो एक बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ और वो 8 दिन में पूरा कर दिया गया। एक रेलवे स्टेशन का निर्माण शुरू किया, वो 15 दिन में पूरा कर दिया गया। हमारे यहाँ 2 अस्पताल 15 दिन में, आज जैसे यहाँ के अस्पताल का ये उद्घाटन हो रहा है, ऐसे ही पानीपत का भी यहाँ से जाने के बाद मैं उसका उद्घाटन करने वाला हूँ। तो ये एक बढ़िया ये काम किया गया है। हमारी जितनी व्यवस्थाएँ पहले की हैं उनमें आज 1400 बेड्स इसकी वृद्धि हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ की भूमिका को काबिले तारीफ बताया और इन कोरोना वॉरियर्स की यहां जमकर हौसला अफजाई भी की। अभी तक हमारे ऑक्सीजन के या वेंटिलेटर के या हमारे जो आईसीयू के ये जो सब बेड्स हैं, अब ये 17,500 थे, आज बढ़कर के ये 19,000 हो जाएगा। हरियाणा के हिसार में तैयार ये 500 बेडेड अस्पताल अब कोरोना मरीजों की भर्ती के लिए खोल दिया गया है। इस अस्पताल के तैयार होने से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी वसूली से भी कोरोना के मरीजों को अब बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी फिर हिसार तैयार नजर आएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो।